हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से क्लास में और मैं आकाश चतुर्वेदी आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुका हूं एक और धमाकेदार सेशन दोस्तों आज हम करने वाले हैं पचास क्वेश्चन रीजनिंग के टॉप बेस्ट क्वेश्चंस जो तो कि आरपीएफ और ए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट है एक बार सभी लोग फटाफट फट तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर तो करना करना प्लस एक बार थम्सअप भी लगा दो कि आप सभी लोग तैयार हैं कि नहीं ठीक है तो दोस्तों आज मैं आपको पहले बता देता हूं आज हम लोग क्या करने वाले हैं और आगे भी आज रात के दस बजे भी आपके लिए सेशन होने वाला है तो सेशन दोस्तों आज रात के दस बजे जो होने वाला है वो है आर आरबी टेक्नीशियन के ऊपर आर आरबी टेक्नीशियन का प्रीवियस जो पेपर हुआ था हम उसको भी करेंगे पहली बार यूट्यूब पर दोस्तों आर आरबी टेक्नीशियन के लिए भी एक पेपर मैं आपको रीजनिंग के लिए कराने जा रहा हूं और आज दोस्तों यहां पर हम सभी लोग आरपीएफ आर का एक पेपर करेंगे और आर पेपर करेंगे और 30 प्लस 25 लगभग लगभग 50 प्लस यानी 55 क्वेश्चन करीब करीब हम यहां पर करने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हो देखते हैं कि आज की आज तैयारी और आपकी प्रैक्टिस कैसी होती है प्लस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट जो है टाइम टेबल है इसको नोट कर लो यूट्यूब पर दोस्तों उसके बाद अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है यानी कि अगर आपको एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करना है तो सुबह में क्लास चल रही है मंडे टू फ्राइडे सैटरडे चलती है संडे पर दोस्तों दूसरी स्पेशल क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? और बाकी एप्लीकेशन पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो एप्लीकेशन पर मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बाय ऑफिशियल चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को जितने लोग भी रेडी हैं सभी लोग रेडी कर दीजिएगा लेटेस्ट स्टार्ट द सेशन नाउ चलिए देखिए चलिए दोस्तों अभी तक रेलवे के जितने भी पेपर हमने किए देखे कि एक मीडियम लेवल के पेपर यानी कि दोस्तों इजी मीडियम और हार्ड होता है तो मीडियम लेवल का पेपर लगभग लगभग हमें यहां पर देखने को मिला अभी तक एल में या फिर आरपीएफ में आप देखते हैं आज किस तरह का पेपर हमारे लिए होने वाला है हाँ ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो होता है दोस्तों सीबीटी टू या सीबीटी वन भी बोले तो वो एक अच्छे लेवल का होता है उसको भी हम करेंगे जब वैकेंसीज आएंगे तो उसके लिए भी हम पढ़ेंगे फिलहाल शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को ठीक है चलिए तो आज हम करने वाले हैं दस जनवरी दो हजार उन्नीस शिफ्ट वन का पेपर समय मिलेगा आपको बीस सेकेंड फटाफट से आंसर चलिए अभिषेक केदार अभिषेक बेटा आप एक बार हेल्पलाइन जो नंबर है ना उस पर कॉल करके देख लेना क्लियर हो जाएगा ठीक है आप मंडे को कॉल कर लीजिए उस पर कोई दिक्कत नहीं है अभी भी करना है तो अभी कर लेना क्लास के बाद देखो भाई यहां पर बोला जा रहा है करेक्ट पानी की छवि भाई पानी मारो यहाँ पे इस पे पानी मारो तो बी तो बी जैसे ही दिखेगा ठीक है बी दोस्तों बी जैसे दिखेगा ठीक है ठीक है ठीक है उसके बाद आर दिखेगा दोस्तों उल्टा तो आर कभी 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 भी सीधा नहीं आ सकता ऐसा नहीं आ सकता गलत कर दीजिए और यू दोस्तों बनेगा आपका उल्टा और उल्टा बनेगा तो सीधा नहीं आ सकता आंसर बनेगा ए ऑप्शन यानी कि पहला नंबर ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए हम्म इन पांच में से चार एक जैसे हैं और एक अलग है वो अलग वाला कौन सा है बताओ ठीक है देखो भाई यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो जे एन ठीक है तो दस प्लस चार चौदह प्लस चार 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 का डिफरेंस है चार चार आठ चार बारह चार का डिफरेंस है तीन प्लस चार और सात चार ग्यारह ये भी चार का डिफरेंस है पांच चार नौ और नौ चार तेरह लेकिन यहां पर सो छह और पांच और ग्यारह और पांच यहां पर सो पांच का डिफरेंस है तो एफ के पी हमारा विषम हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या हो गया अगला क्वेश्चन चलिए आ जाओ भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग फंसते हैं और कितने लोग नहीं फंसते हैं मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में शायद पचास परसेंट लोग फंस जाएं पचास परसेंट लोग इसको गलत कर सकते हैं आसान है वैसे तो तो फंसने का नहीं बिल्कुल भी फंसने का नहीं है बिल्कुल भी आसान है लेकिन फिर भी दोस्तों देखते हैं कितने लोग फंस सकते हैं प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती है आज बारिश हो रही है चलिए दोस्तों क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती है यानी कि इट रेन्स ऑन एवरी मंडे यानी कि हर सोमवार को बारिश होती है और दूसरा कह रहा है कि भाई आज बारिश हो रही है तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज संडे हे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत जितने भी लोगों ने दूसरा आंसर दिया दोस्तों वो फंस गए मैंने बोला था ना फसोगे और आप देख लो नाइनटी नाइन परसेंट लोग फंस गए फंस गए ना उम्मीद नहीं थी इतने ज्यादा लेकिन फिर भी फंस गए पहला भी गलत दूसरा भी गलत देखो सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल सा आंसर है ये बताइए दोस्तों हर मंडे को बारिश होती है ठीक है फिर मैंने दूसरी बात बोली आज बारिश हो रही है मैंने कहा ठीक है तो दोस्तों आज मंडे है क्या इस बात से निश्चित एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या यह बात निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाली जा सकती है कि आज मंडे है आप कहोगे सर कह नहीं सकते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला स्टेटमेंट में कि ओनली मंडे को ही बारिश होती है केवल मंडे को बारिश होती है अगर दोस्तों यहां पर होता कि ओनली यानी कि केवल मंडे को बारिश होती है और आज बारिश हो रही है तो निश्चित रूप से निष्कर्ष यही निकलता कि आज मंडे है दोस्तों मंडे को बारिश होती है हर मंडे को बारिश होती है आज बारिश हो रही है आज मंडे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी और दिन बारिश नहीं हो सकती सिंपल सा सिलोजिज्म का क्वेश्चन था भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा भाई पहला वाला डाउटफुल दूसरा वाला भी डाउटफुल यानी कि दोनों के दोनों गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ए ऑप्शन यानी कि नाइदर इधर ये ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएफ में और इसके अलावा दूसरे अन्य दोस्तों जैसे उड़ीसा का हो गया वेस्ट बंगाल का हो गया जो स्टेट लेवल के पेपर होते हैं ये क्वेश्चन कई स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में आ चुका है बिल्कुल सेम एज इट इज छपा हुआ तो इसको गलती नहीं करने का बिल्कुल भी ध्यान रखना तीन चार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं अलग अलग टाइम पर और बिल्कुल ऐसे ही आता है ठीक है चले आगे चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने फटाफट से आंसर लगाओ ध्यान रखना गलती नहीं करने का दोबारा अगर आ गए तो चलिए इस समय स्वाब दोस्तों सारे के सारे जो टिन है वो किसके अंदर है बॉटल के अंदर है सारे के सारे बोतल किसके अंदर है पील के अंदर है सभी पील टिन में है कह नहीं सकते कुछ बॉटल टिन में है सही है आंसर आएगा ओनली टू यानी ए ऑप्शन हमारे पास सही आंसर अगला प्रश्न चलो इन पांच में से चार एक जैसे एक अलग है है ना दोस्तों सच बताएं तो ईमानदारी से तो सबसे पहले तो भाई हमने भी यही आंसर निकाला था कि ये सारे के सारे कंसोनेंट हैं ये वॉवल है तो यू वाला अलग हो जाएगा लेकिन जब ऑप्शन में नजर गई तो पता चला अरे यार इन लोगों ने तो खेल कर दिया अपन के साथ ठीक है इन्होंने तो यू को तो कंसिडर ही नहीं किया एक तरीके से इन्होंने इसी चार में खेल गए बस तो इसी चार में खेल गए तो चलो भाई इसी चार में अपन भी खेल जाते हैं ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें तो अब दोस्तों यहां पर ये 18 है ये 25 है ये 19 है और ये 23 है तो जाहिर सी बात है दोस्तों 18 जो है ये एक इवन लेटर हो जाएगा यानी कि सम संख्या वाला लेटर और बाकी सारे ऑड ऑड संख्या वाले लेटर यानी कि ऑड लेटर्स ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक छोटी सी पजल है आपके सामने और मैं समय आपको दे दे रहा हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पचास सेकेंड बहुत है बहुत है चलो बनाओ अच्छी पजल है ध्यान से करना सात कर्मचारी हैं दो फ्लोर पे रहते हैं वन और टू और एक फ्लोर पे तीन घर हैं और एक फ्लोर पे चार घर हैं इस तरीके से है ये अब पता नहीं ये कैसे होगा भाई हेल्पलाइन नंबर दे दो सर प्लीज हेल्पलाइन नंबर बेटा रोज तो आपको लास्ट में दिया जाता चलो फिर से दे देते एट डबल जीरो पर आपको अगर कोई पेमेंट वेमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप कर सकते हो ठीक है अगर आज ना रिसीव हो कॉल तो कल आप सुबह कर लीजिए चलो देखो आ जाओ इसको दोस्तों मैं बनाऊंगा लेकिन अगले पेज पर क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा अब देखो यहां पर ध्यान से कितने हैं भाई सात लोग हैं और दो फ्लोर की बिल्डिंग है दोस्तों मान लीजिए ये हो गया आपका पहला फ्लोर ये हो गया आपका दूसरा फ्लोर ठीक है वो कह रहे हैं या फिर ऐसा कर लें ये हो गया दोस्तों आपका पहला फ्लोर ये हो गया आपका दूसरा फ्लोर ये कह रहे हैं कि भाई जो पहला फ्लोर है उस पर दोस्तों तीन घर है ये तो है जो पहला फ्लोर है उस पर तीन घर है तो मतलब ये हो गया भाई एक घर दो घर तीन घर ऐसा हो सकता है और जो दूसरा फ्लोर है दोस्तों उसमें एक घर दो घर तीन घर चार घर ऐसे ही है तभी तो सात लोग होंगे अब ये ऐसे होंगे कैसे भी होंगे मुझे नहीं पता बस पहले पे इतने दूसरे पे इतने दोस्तों जी जो है वो रहता है उस फ्लोर पर जिसमें तीन यानी कि दोस्तों इस वाले पर तो मान लो देखो हमें नहीं पता अभी जी कहां रहता है चलो हम मान लेते हैं कि दोस्तों जी जो है वो कहीं इसी फ्लोर पर रहता है कहीं भी रहता होगा अभी बस ये देखो कि कौन कहां रहता है उसके बाद बोला जा रहा है कि डी जो है दोस्तों वो सेम फ्लोर जी और बी के साथ नहीं रहता तो दोस्तों मतलब तो तो और क्या कहा जा रहा है कि डी जो है वो जी और भी दोनों के साथ नहीं रहता। तो बी यहाँ तो नहीं रह सकता तो फिर पक्की बात है बी नीचे आएगा अब दोस्तों नीचे केवल एक ही बंदा बचा दो बंदे हो चुके हैं इसके बाद देखो सी और ए दोनों ही अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं बहुत ध्यान से सुनो सी और ए दोनों ही अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं तो या तो दोस्तों सी यहां हो सकता है ए यहां हो सकता है या फिर सी यहां हो सकता है ए यहां हो सकता है अच्छा सी जो है दोस्तों वो जी का पड़ोसी नहीं है बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, दोस्तों, दोस्तों सी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से दोस्तों सी जी का पड़ोसी नहीं है बहुत सारे लोग ये कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि ही पढ़ा सर सी जी का पड़ोसी नहीं है

चलो घर अभी तो नहीं करेंगे और पढ़ लेते हैं और दोस्तों बोला गया है कि एक हाउस है बीच में किसके एफ के और ए के अच्छा मुझे एक बात बताओ कि दोस्तों अगर एफ और ए के बीच में एक घर है तो घर तो दोस्तों एक ही लाइन से है तो अगर एफ और ए के बीच में एक घर है इसका मतलब ये सेम फ्लोर पर रहते होंगे तो दोस्तों क्या एफ और A इस फ्लोर पर रह सकते हैं एक साथ नहीं रह सकते यहां पर चार हो जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट दोस्तों एफ और ए इसी फ्लोर पर रहेंगे इनके बीच में एक का गैप है अब वो कहां आएंगे अभी देख लेते हैं दूसरी बात कि अगर ए यहां बैठेगा तो यहां पर क्या बोला सी और ए दोस्तों डिफरेंट फ्लोर पर है तो सी पर यहां आ जाएगा तो बचा कौन हमारे पास ई e, e आ गया तो चार लोग ऊपर आ गए चार तीन लोग नीचे आ गए अब कौन कहां बैठेगा हमें भी नहीं पता तो अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया आइए क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या पूछा गया क्वेश्चन यह पूछा गया पहला कि दिए गए प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है अच्छा दोस्तों एफ और ए पड़ोसी नहीं है क्या यह बात गलत है एफ और ए पड़ोसी नहीं है यह बात तो सही है क्योंकि जहां तक मुझे याद है तो क्वेश्चन में दिया था कि दोस्तों एफ और ए A... अच्छा 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 हाँ सही है दोस्तों एक हाउस बीच में होगा एफ और ए के तो फिर यह पड़ोसी तो नहीं हो सकते क्योंकि एक का गैप है तो ये वाली बात तो सत्य है ठीक है दूसरा कह रहा है भाई सी जी बी सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं दोस्तों क्या सी जी भी सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं नहीं ये फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो मेरे ख्याल से बी वाला जो है कथन वो गलत हो जाएगा ठीक है बी वाला गलत हो जाएगा अगला प्रश्न अगला यहां से पूछा रहा दिए गए प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित तो में से कौन सा भिन्न यानी अलग है तो भाई डी एफ जी ई इनमें से अलग कौन सा होगा तो मेरे ख्याल से जी वाला अलग हो जाएगा क्योंकि जी रहता है फर्स्ट फ्लोर पर और बाकी सभी दोस्तों आपके सेकंड फ्लोर के प्राणी हैं सेकंड फ्लोर के प्राणी हैं अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन वह है जिसमें सभी सदस्य एक ही मंजिल पर रहते हैं तो एक ही मंजिल पर रहने वाले सदस्य दोस्तों हैं यह वाले यहां तक मुझे याद है यही तो थे एफ ए और डी क्योंकि बाकी तो नहीं होंगे तो आंसर हो जाएगा एफ फिर से एक बार चेक कर लेते हैं एफ 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 अब कौन कहां बैठेगा वो उन्होंने बताया नहीं तो उसको छोड़ दो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं छोटी सी पजल थी बढ़िया थी मजा आया तीन क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर ठीक है बेटा हरीश सर के घर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है ज्यादा बड़ी मतलब छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी ठीक है जिसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते है ना तो इसलिए वो अभी नहीं है वो जैसे ही आएंगे वापस हम आपको बताएंगे ठीक है इधर देखो दोस्तों 43 44 प्लस का एक 44 से 48 एट चार ये कितना जा रहा है फिर नौ no. तो फिर ये कितना जा रहा है दोस्तों सोलह तो एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर तो यहां कितना हो जाएगा पांच का स्क्वायर पच्चीस पांच तीन आठ सात दो नौ नाइनटी एट तो नाइनटी एट हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न चलो भाई आ जाओ भाई यहां आ जाओ जल्दी से सभी लोग एक छोटी लड़की का जिक्र करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी बहन की बहन की बेटी है वह महिला उस छोटी लड़की से कैसे संबंधित है वह मेरी देखो भाई दोस्तों एक छोटी लड़की किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा तो मान लीजिए ये वो महिला है जो कह रही है क्या कहती है महिला महिला तो खुद ही लड़की मतलब लेडी है महिला कहती है कि वह वह मतलब वो जो लड़की है वो मेरी बहन दोस्तों मेरी बहन की बहन अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरी बहन की बहन ये खुद भी तो हो सकती है और हो सकता है कि अगर मान लो दोस्तों कि ये महिला है तो वो ये भी कह रही होगी भाई मेरी बहन की बहन दोस्तों कोई और भी हो सकती है एक और भी हो सकती है ये तो नहीं बोला कि केवल इकलौती बहन है तो मेरी बहन की बहन की लड़की है कौन वह लड़की जिसके बारे में बोला जा रहा है तो अगर दोस्तों देखे तो ये महिला इस लड़की की कौन हो जाएगी बोले मम्मी हो जाएगी यानी कि मदर लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो यह कौन हो जाएगी ये हो जाएगी दोस्तों इसकी आंटी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आंटी या फिर मम्मी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन्होंने देखो ऑप्शन में मम्मी लिखा मम्मी मदर नहीं लिख के दिया मम्मी लिख के दिया चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने फटाफट पड़ से आंसर ठीक है हम लोग दोस्तों आरपीएफ और ए दोनों के ही पेपर आज लगाएंगे इसके बाद रात में दस बजे आज हम फिर से मिलेंगे अभी तो हम ये कर रहे हैं फिर रात में दस बजे हम लोग आज YouTube पर पहली बार आर आरबी टेक्नीशियन का पेपर लगाएंगे देखते हैं भैया आर आरबी टेक्नीशियन में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये आया हुआ है ठीक है चलो भाई एक्स से एल बोले सर एक्स होता है चौबीस तो 24 का अगर मैं आधा कर दूं तो 12 बिल्कुल सही है लेकिन दोस्तों 13 का आधा अपन कर नहीं पाएंगे पॉइंट में आंसर आ जाएगा मैंने कहा दूसरा दिमाग लगाओ दूसरा दिमाग यह हो सकता है कि एक्स दोस्तों अगर चौबीस है तो चौबीस में बारह माइनस करो तो भी तो बारह ही होता है तो फिर तेरह में क्या कर सकते हैं तेरह में भी दोस्तों बारह माइनस कर दे कितना बचेगा बोले एक बचेगा एक का मतलब ये आ सकता है आंसर चलो एक और आ जाओ 20 सेकंड फटाफट से आंसर एस वालों को नहीं पढ़ाते क्या सर बिल्कुल पढ़ाते हैं बेटा अरविंद एसएससी के लिए बहुत जल्द आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है ठीक है जब आएंगे तो जोर जब, जोर जबरदस्त आएंगे जबरदस्ती से नहीं आएंगे जोर जबरदस्त आएंगे तो आपको पता चल जाएगा इधर देखो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो एफ अच्छा क्या बोला जा रहा है एफ के विपरीत तो बताओ कौन होगा दोनों में कॉमन क्या है बोले डी कॉमन है ठीक है डी अगर कॉमन है तो डी से घड़ी की दिशा में गए मिला और d से घड़ी की दिशा में गए तो e मिला तो a का विपरीत कौन हो जाएगा e हो जाएगा बचा कौन f और b तो b और f क्या हो जाएगा विपरीत ये हमने क्या सॉरी माफी चाहूंगा तो f का विपरीत कौन हो जाएगा तो b हो जाएगा अरे b तो है ही नहीं ऑप्शन में ठीक है सर क्वेश्चन है इसका आंसर तो b होगा यार आए आए ये कैसा क्वेश्चन दे दिया यार यहां पर भाई कॉमन क्या है डी कॉमन है तो डी और डी लिख लिया डी से गए घड़ी की दिशा में ए मिला ए तो से गए तो बी e मिला ठीक है डी से गए तो ई मिला और ई से गए तो एफ मिला तो एफ और बी तो दोस्तों विपरीत हो रहा है तो अगर एफ और बी विपरीत हो रहा है तो बी कहां है वेर इज बी 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 बीबी एक मिनट जरा चेक करने दो आरपीएफ ने क्या आंसर दिया आंसर की मैं कुछ भी दे रहे हैं क्या बहुत बढ़िया आरपीएफ ने आंसर दिया दोस्तों आरपीएफ का आंसर ये है ठीक है रेलवे आरपीएफ का आंसर ये है कौन से हिसाब से है पता नहीं ये आरपीएफ का हिसाब है हे भगवान चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों इसका आंसर होगा बी ठीक है इसका आंसर होगा बी एफ का विपरीत बी आएगा बी एफ का विपरीत बी आएगा बी ठीक है चलो कोई बात नहीं चलता है अगला क्वेश्चन लो ये है एरर तो जब एरर आती है फिर हम बाद में क्या करते हैं क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं है ना क्वेश्चन को चैलेंज करता है देखो दोस्तों जाल का संबंध अगर मछली से है जाल का संबंध अगर मछली से है तो एंटीने का संबंध किससे होगा दोस्तों जाल पकड़ता है मछली को और एंटीना किसको पकड़ता है एंटीना पकड़ता है सिग्नल को देखो कहां से कहां इन्होंने मेल बैठा दिया कि एंटीना पकड़ता है सिग्नल एंटीना पकड़ता है सिग्नल को जैसे जाल मछली को पकड़ता है ऐसे ही एंटीना पकड़ता है क्या कैचर चलिए भाई तो फिश कैचर जो है वो नेट यूज करा जाता है और सिग्नल को कैच करता है एंटीना चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर अच्छा दो तीन लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मोबाइल लगा दिया था क्यों मोबाइल भी था क्या हमने मोबाइल तो देखा भी नहीं मोबाइल भी लगा दिया आंसर बोले एंटीने का संबंध है मोबाइल से कौन से कौन कौन, कौन है यहाँ पर भाई जो 1980-90 के दशक या उस 1960 के दशक का है जो मोबाइल में भी मोबाइल पहली बात तो मोबाइल में एंटीना कहां से आ गया मोबाइल में भी एंटीना आ रहा है देखो दोस्तों एम छोटा है पी से एम से पी तक जाएंगे रास्ते में क्या मिल गई जल्दी से जरा कमेंट में लिखो क्या मिल गई चुड़ैल चुड़ैल मतलब उल्टे पैर जब भी कभी उल्टे पैर मिल जाए तो पहला ये क्या हो गया भाई डाउटफुल क्योंकि उल्टे पैर वाले कभी भी सही नहीं होते केवल संभावना में होते हैं ओ छोटा है क्यू से दोस्तों ओ से हम क्यू तक जा रहे थे रास्ते में फिर क्या मिल गई फिर से चुड़ैल मिल गई उल्टे पैर मतलब चुड़ैल और चुड़ैल जब भी मिलेगी तो क्या हो जाएगा डाउटफुल आंसर क्या होगा ना इधर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो बात देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे एक इसको पूरा करो मैंने कहा कर ठीक है भाई कर देते हैं पूरा ये ऐसे बन जाएगा ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है अच्छा देखो ये लाइन तो आने से रही ये हटा दो ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर एक लाइन ये ऐसे आ रही ये नहीं बनेगी ये गलत और यहां बीच में कोई भी लाइन नहीं है जबकि यहां पर है ये गलत आंसर आएगा ए ऑप्शन यानी कि ए वाला चलो अगला प्रश्न आज रात को भी आप सभी लोग दोस्तों उपस्थित हो जाना दस बजे आज दस बजे हम सभी लोग यूट्यूब पर पहली जाएगा टीचर में कुछ टीचर जाएंगे दोस्तों स्पोक्स पर्सन में देखो जिसको भी चैप्टर नहीं आता मैं फिर आपसे कह दूं दोस्तों ईमानदारी से अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता या गलत होते हैं क्वेश्चन या आपने कभी पढ़ा ही नहीं या आपको कभी समझ में नहीं आया मैं आपको तो फिर कह रहा हूं एक बार अगर आप दोस्तों मेरे बेसिक फाउंडेशन बैच में इसको पढ़ लेंगे जिंदगी में कभी ना इसका क्वेश्चन गलत होगा और ना ही आपको दोबारा कभी पढ़ना पड़ेगा कभी भी नहीं वन टाइम पढ़ लोगे दोबारा आपको लगे ये इतना आसान था क्योंकि उस तरीके से एक्सप्लेनेशन वहां पर हमने किया गया ठीक है तो आप चाहो तो देख सकते हो जाकर और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फाउंडेशन का जहां पर पूरी रीजनिंग पढ़ाया जाना मैं पूरे पचास टॉपिक होते हैं रीजनिंग के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुछ टीचर किसमें स्पोक्स पर्सन में है और सारे के सारे स्पोक्स पर्सन किसके अंदर है वर्कर के अंदर है ये बताओ दोस्तों कुछ वर्कर टीचर में है क्या कुछ वर्कर टीचर में सही है कुछ वर्कर इंप्लॉय में है क्या कह नहीं सकते डाउटफुल में हो जाएगा भाई उसके बाद सभी स्पोक्स पर्सन टीचर में है सभी टीचर में नहीं कह सकते आंसर क्या आएगा दोस्तों ओनली वन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आ जाओ इसका आंसर बताओ वैसे इसका आंसर दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग कुछ लगाओगे लेकिन आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा सर हिंदी रोंग है एक सेकेंड रुको जरा हिंदी कौन सी रोंग है हिंदी में क्या हो गया क्या हो गया हिंदी में देख लेते हैं एम्प्लॉय कर्मचारी टीचर शिक्षक स्पोक्स मैन यानी कि वक्ता स्पोक्स मैन और स्पोक्स पर्सन एक ही चीज हो गई ना अच्छा 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 तो सही तो है और स्पोक्समैन यानी कि प्रवक्ता और वर्कर यानी कि कार्यकर्ता अच्छा तो उसमें क्या गड़बड़ लगी आपको एम्प्लॉय अलग है कर्मचारी वर्कर अलग है ठीक है तो वर्कर हो गया कर्मचारी एम्प्लॉय employee... हाँ गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है हाँ गड़बड़ तो है दोस्तों यहां पर एम्प्लॉ होता है कर्मचारी वर्कर होता है कार्यकर्ता ओके okay. तो यहां पर वर्कर की जगह यहां पर कार करता आएगा हाँ ठीक है आपने सही पकड़ा भाई और यहां पर आ जाएगा शिक्षक वर्कर यहां पर भी आ जाएगा दोस्तों वर्कर यानी कि कार्यकर्ता यहां पर कर्मचारी और बाकी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।, है चलो इसका आंसर लगाओ फिलहाल फटाफट पट से कि आपको इसमें कितनी सीधी रेखाएं दिख रही हैं एक बार में बताना आंसर कितनी सीधी रेखाएं दिख रही हैं और सुनो और एक आपको चैलेंज देता हूं एक तो इसका आंसर बता दो कितना होगा सही एक बताना अपना आंसर और एक बताना कि आरपीएफ ने इसका आंसर क्या दिया होगा क्योंकि मुझे पता है इतने हम लोग आरपीएफ के पेपर कर चुके हैं तो आप अभी तक तो यह समझ गए होगी कि आरपीएफ इसका आंसर क्या दिया होगा पक्की बात है आपको पता है आरपीएफ ने क्या दिया आरपीएफ कभी क्वेश्चन का आंसर सही देती नहीं है चलो खैर आप आरपीएफ वाला भी बताना और अपना वाला भी बताना ठीक है तो भाई कितनी सीधी रेखाएं हैं दुनिया में दोस्तों तीन प्रकार की सीधी रेखाएं होती हैं एक खड़ी रहती है एक लेटी रहती है एक आड़ी टेढ़ी रहती है ना एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली और सीधी रेखा की डेफिनेशन क्या होती है एक सीधी रेखा जब तक एक ही रेखा कहलाती है जब तक वो कहीं से मुड़े ना जैसे मान लो अगर दोस्तों यहां से ऐसे 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 अब मुड़ गई तो फिर ये एक हो जाएगी और ये दूसरी हो जाएगी ना कि ऐसा कभी होता है क्या कि अगर ये दोस्तों रेखा है और मैं ऐसे ऐसे काट दू तो मैं बोलू देखो एक रेखा दो रेखा तीन रेखा ऐसा बोलता हूं कभी नहीं ये दोस्तों कितनी रेखा है केवल एक और दो और तीन केवल तीन है लेकिन आरपीएफ चलता है दूसरे हिसाब से खैर फिलहाल रेखा होंगी कितनी इसमें एक दो तीन चार पांच एक छ और एक सात तो यहां पर दोस्तों ये है वो आंसर जो अपना आंसर है लेकिन आरपीएफ कभी चलेगा नहीं अपने हिसाब से आरपीएफ के हिसाब से आंसर पता क्या है आरपीएफ के हिसाब से आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तो ये है, है दोस्तों तो आरपीएफ का आंसर ग्यारह ये है आरपीएफ का आंसर यानी कि ग्यारह अब ग्यारह कैसे आया आप समझ गए होंगे भाई सात तो ये हो गए सात हो गई सात के बाद देखो यहां से लेकर यहां तक एक आठ यहां से लेकर यहां तक एक नौ यहां से लेकर कहां चला गया यहां से लेकर यहां तक एक दस और यहां से लेकर यहां तक एक ग्यारह ये आरपीएफ की काउंटिंग है कौन से हिसाब से पता नहीं चलो भाई अगला प्रश्न इसमें भी आप चैलेंज करेंगे बाद में तो आपको फिर नंबर मिल जाता है बेटा राजकुमार वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा है एक बार बताओ क्या दिक्कत आ रही क्योंकि वीडियो तो सारे चालू हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास होती है सैटरडे संडे में आप सारे रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो जितनी भी हुई है और मंडे टू फ्राइडे आप लाइव करते रहो और बाकी सारे दिन भी रिकॉर्डेड देख सकते हो लेकिन बाकी सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं होती है ग्यारह से ग्यारह प्लस पांच सोलह अब सोलह में दोस्तों बत्तीस तो बोले प्लस का सोलह अच्छा तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई इसमें है ना क्या लग रहा है गड़बड़ गड़बड़ ये लग रहा है कि भाई इसमें हो रहा है डबल और देखा जाए तो इसमें भी हो रहा है डबल तो फिर इसका मतलब हम समझ गए लॉजिक क्या है लॉजिक क्या है प्लस का पांच डबल बत्तीस प्लस पांच और फिर से दोस्तों डबल सही है तो अगला क्या आएगा प्लस का पांच आएगा तो आंसर आएगा सेवेंटी नाइन हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है चलो लो इसमें भी सिंपल दोस्तों बेसिक ट्रिक लगा दो बस बेसिक ट्रिक से कर सकते हैं ट्रिक क्या लगेगी अभी भी समझा देता हूं फटाफट से कि इसमें क्या ट्रिक यूज होने वाली है देखो क्या आपको पता है उसमें कौन सी ट्रिक यूज होती है इसमें ट्रिक क्या है देखो इसमें ट्रिक क्या है ट्रिक ये है सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा आप इसके अंदर निकाल लो भाई कितने मिलेंगे आपको तो बोले एक दो एक दो यानी कि दो रो है दो कॉलम है तो एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर यानी कि सीधे सीधे पांच अब ट्रिक लगाना हो तो लगाओ नहीं लगाना तो वैसे ही कैलकुलेट कर लो कितने आ गए इसके अंदर दोस्तों पांच इसके भी अंदर कितने आ जाएंगे दोस्तों पांच और इसके भी अंदर कितने आ जाएंगे हमारे पास पांच तो पांच 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 यानी कि पंद्रह क्या दोस्तों पंद्रह के अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा मिलेगा किसी हाल में नहीं मिलेगा तो आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन कि पंद्रह चलो अच्छा ये बता दिया मैंने आपको फिर से बता देता हूं ये दोस्तों आज होने वाला है सेशन आप ठीक है आज रात दस बजे आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं इस सेशन में आज रात दस बजे आ जाना ठीक है चलो इसमें आ जाओ देखो जरा लग सकता है क्या दी गई श्रृंखला में आगे आने के लिए उपयुक्त चित्र का चयन करें अच्छा इसके आगे कौन सा दोस्तों फिगर आ सकता है सर संडे को तो छोड़ दीजिए क्यों हम कौन सा पकड़ के रखे तुमको है देखो ये दोस्तों जो हैश है ये एक चाल पीछे चलता इधर आ गया फिर ये एक चाल पीछे चला इधर आ गया फिर एक चाल पीछे चला इधर आ गया फिर दोस्तों एक चाल पीछे चला यहां आ गया अब ये फिर एक चाल पीछे यानी यहां पे आएगा तो हमें दोस्तों एक ऐसा फिगर चाहिए जिसमें डब्बे में इस जगह पर हैश होना चाहिए भाई यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर ऐसा नहीं ये हटा दो ये हटा दो बचा दोस्तों ये और बचा दोस्तों ये अब एक काम करो जरा के को देखो के कैसा चल रहा है तो के दोस्तों पहले यहां था फिर एक चाल पीछे आया फिर एक चाल पीछे आया फिर एक चाल पीछे आया फिर एक चाल पीछे फिर यहां आ जाएगा यहां का मतलब यहां आना चाहिए तो के दोस्तों बनेगा कुछ इस प्रकार से और ऐसा आपको दिख रहा है सी में तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल ठीक है अगला प्रश्न ले लेते हैं सभी लोग फटाफट से चलो स्कूल अभिषेक मिल जाएगा मिल जाएगा आप बात कर लेना मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हो जाएगा चलिए इधर देखिए क्या कर सकते हैं इसका 12 से 25 25 से ठीक है ऐसा लग रहा है कि जैसे डबल 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 होते हुए जा रहा है देखो जरा 12 दुनी 24 प्लस एक 25 25 का डबल यानी कि 50 प्लस दो लेकिन बावन करना पड़ेगा तो दोस्तों बावन का डबल कितना होता है बोले 104 104 में तीन जोड़ा तो 107 फिर इसका डबल कर दो कितना हो गया भाई 214 214 में चार जोड़ो तो 218 तो इसका डबल करके और कितना जोड़ देंगे प्लस का पांच जोड़ देंगे तो 218 का डबल और प्लस का पांच कितना हो जाएगा भाई आंसर देखो सिंपल है ना आठ दुनी 16 और 16 और पांच कितना होता है बोले 21 ले 21 तो बहुत सारे में है अरे बापरे तो वैसे ही कर लेते हैं दो का डबल छत्तीस चार और चार सौ आ जाना चाहिए फोर हमारे पास करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट चलो इसको लगाओ ये भाई वो पेपर है जो 2019 शिफ्ट पन में पूछा गया है आरआरबी ए सॉरी आरआरबी आरपीएफ में ठीक है ये वो पेपर है जो आया हुआ है ये कोई अपने मन से दिया हुआ पेपर नहीं है आपका दमाद कैसे बनाना था भाई ए बी का दमाद है कैसे बनाते ए बी का दमाद है दोस्तों इसका मतलब बी की कोई बिटिया होगी जिसकी शादी ए से होगी तभी तो ए दमाद बनेगा बी का ए बी का दमाद है जिसका बेटा जिसका मतलब किसका बी का जिसका बेटा डी दे है जिसका बेटा डी दे है जिसका बेटा डी दे है डी दे सी का भाई है डी सी का भाई है हो सकता है सी यहां पर हो सकता है जिसकी इकलौती बेटी ई है जिसकी इकलौती बेटी ई है तो बताइए सी ए से कैसे संबंधित है तो सी का संबंध ए से क्या होगा बोले वाइफ लगेगी किसकी ए की तो डी आंसर हमारे पास सही आंसर होगा कुछ लोगों ने आंसर साली लगा दिया साली यानी ऑप्शन कुछ भी हो जाए साली दिमाग से जा ही नहीं रही है बीवी मिल गई है शादी होगी लेकिन नहीं साली साली, साली 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 चिपक के रह गए जब से हमने ये चैप्टर पढ़ाया अभी आपको बेसिक साली साली चिपक के रह गए साली कहां से हो जाएगी यार इसका आंसर होगा दोस्तों वाई ठीक है अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न लो सभी लोग फटाफट से बीस सेकेंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आर पी एफ और पता है जो लोग ज्यादा साली 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 सपने देखने देखते हैं ना भगवान उनकी शादी ऐसे घर में करती है जो दूर दूर तक कुछ साली नहीं होती इसकी साली साले भरे होंगे बस चलो यहां देखो ऐसे दोस्तों कितने राइट एंगल ट्राइंगल होंगे यानी कि 90 डिग्री वाले तो 90 डिग्री वाले कितने ट्राइंगल है? एक तो ये बन गया दो दो ये मिल गए चार दो ये मिल दो ये ये मिल मिल गए गए आठ तो आंसर कितना होगा आठ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड अगला क्वेश्चन लो भाई एक और आ गया इसके लिए मैं आपको तीस सेकेंड दे रहा हूं इन इक्वालिटी के आपके पास दो क्वेश्चन पूछे पूछे गए हैं अभी तक जितने भी पेपर अपन ने किए है ना सुमैया शेख मतलब आपको भी कोई साली नहीं है तुमको मैं देता हूं जवाब जाओ क्वेश्चन कर लू फिर बताता हूं मैं तुमको चलो यहां देखो भाई सभी लोग क्या कर सकते हैं उसमें देखो दोस्तों यहां पर अच्छा तीन इक्वेशन है तीनों को आपस में एक साथ चिपका दो कैसे चिपकाना सिखाया मैंने किसी भी एक को लिख लो और अब उसमें बाकी दोनों को चिपकाओ कैसे बोले सर इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है सी सी कॉमन है चिपका दो सी बराबर है ओ के सी बराबर है ओ okay. के ओ बड़ा है एम से ओ बड़ा है एम से एम बड़ा बराबर है टी से एम बड़ा या बराबर है टी से चिपका दिया अब दोस्तों इन दोनों का काम खत्म बचा दोस्तों ये अब इसको भी चिपका दो कैसे चिपकाओगे बोले इसमें एम है और देखो इसमें भी एम है एम से चिपकाओ एम बराबर है ए से एम बराबर है ए से और ए बड़ा है एल से दोस्तों A बड़ा है से से कर दिया अब सुनो से। अब सुनो ध्यान दोस्तों अपन को चलना है ठीक कहां चलेंगे अपन E बड़ा है एल से E से एल जाना है देखो भाई E से एल कैसे आएंगे E से चलो और ये रास्ता पकड़ो तो एल तक अपन पहुंच जाएंगे पहुंच गए अब देखो E से L तक जाने पर क्या मुझे रास्ते में सभी सिंबल का फेस यानी मुंह एक जैसा दिखा जी हाँ बड़ा 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 और क्या एक भी बड़ा है जी हाँ तो पहला क्या हो गया सही हो गया पहला सही हो गया दूसरा देखो ई बड़ा है टी से दोस्तों ई यहां पर है टी यहां पर सीधा निकल लो ई से गए गए, गए गए हां बड़ा मिल रहा है बिल्कुल सही है U बड़ा है O से दोस्तों U कहा है बोले यहां पर है O कहा है यहां पर है नहीं ये गलत हो गया क्यों क्योंकि U जो है दोस्तों वो बड़ा या बराबर U जो है वो बड़ा या बराबर होगा इसका मतलब होता है कि U या तो बड़ा होगा U या तो बराबर होगा दोनों में से कोई एक सही हो सकता है कौन सा होगा पता नहीं बट जबकि ये क्या कह रहा है कि यू बड़ा है नहीं कह नहीं सकते हो भी सकता नहीं हो सकता है तो ये हो जाएगा दोस्तों डाउटफुल में तो आंसर आएगा पहला और दूसरा और पहला दूसरा दिया है डी में ये बेसिक्स है बेटा बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है ऑल फॉलो लगा रहे हो कुछ लोग अगला प्रश्न ये सब मैंने बेसिक्स में पढ़ाया अपने फाउंडेशन में इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सर बाकी सब बातें तो ठीक है लेकिन अगर साली बड़ी हुई तो क्या सलूशन है पैर काट दो उसके छोटी हो जाएगी देखो इसका क्या कर सकते हैं अपन देखो अच्छा क्या पूछ रहा है पूछ रहा है दोस्तों इस वाली इक्वेशन में एक्स वाइफ है जेड की है एक्स अच्छा, की वाइफ जेड की क्या है ठीक है चलो कर लेते हैं डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस का मतलब क्या है दोस्तों प्लस का मतलब है कि ए जो है वो बी की माँ है अच्छा तो W जो है वो माँ हो जाएगी दोस्तों किसकी X की इसके बाद X डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या है डिवाइड का मतलब है कि यहां पर A जो है वो B का भाई है यानी कि X जो है दोस्तों वो Y का क्या हो जाएगा भाई और Y माइनस माइनस का मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे का पिता यानी कि Y जो है वो पिता है किसका दोस्तों Z तो आपको यह बताना है कि X की जो वाइफ है दोस्तों X की जो भी वाइफ है अब इन्होंने तो बताया नहीं ये भी दोस्तों सपने देख रहा है आप लोगों की तरह कि मेरी जो वाइफ होगी वो वाई से कैसे संबंधित तो हो ये सपना देख रहा है नहीं इसकी तो दोस्तों मान लो अगर इसकी कोई वाइफ हुई अगर मान लो इसकी शादी हुई भगवान की कृपा से तो बताइए एक्स की वाइफ जेड की क्या होगी तो एक्स की जो वाइफ है वो जेड की क्या हो जाएगी आंटी हो जाएगी भाई हो जाएगी क्योंकि ये अंकल है चाचा ये चाची तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन ठीक है अगला क्वेश्चन चलो इधर आ जाओ देखो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है ये तो आता ही आता क्वेश्चन है फेवरेट एक और इन पांच आकृतियों में से तीन आकृतियों को मिला के एक पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर बना के दिखाओ चलिए एक कह रहे हैं सर मैं तो ऐसी जगह शादी करूंगा जहां सालियां होंगी ही नहीं तुम्हारी हरकतें देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें शादी ऐसी जगह ना हो जाए जैसे जा लड़के ही ना हो इधर देखो इधर पे दोस्तों अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं देखो दोस्तों अपन को बनाना है पूर्ण स्क्वायर ये जो हिस्सा अपन को खाली दिख रहा है ये इसमें फिट हो सकता है बोले हाँ इसको दोस्तों मार दो यहां पे मार दिया अब ये जो दिख रहा है उसको यहां चिपका दो सीधा सीधा बन गया भाई दिख रहा है ये आ गया तो इसका मतलब कि दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर सही है तो दो तीन चार को ले लो आंसर होगा डी डी वाला दोस्तों जो है वो पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा अगला क्वेश्चन चलो इसको लगाओ बेटा राजकुमार सिंह आपकी बात का जवाब मैंने दे दिया ऑलरेडी आप ये तो बताओ कि दिक्कत क्या आ रही है वीडियो क्या मतलब क्या कंटेंट में जाओ रिकॉर्डेड में आपको सब दिखेगा मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास चलती है कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर जो दिया है, उस पर कॉल कर लीजिए आप एक बार है ना ठीक है इधर देखो आसान है भोजन दोस्तों भोजनालय में खाया जाता है व्यायाम कहा जाता है बोले जिम में कराया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जिम वेरी गुड अगला क्वेश्चन चलो इसको लगाओ इनमें से विषम कौन सा होगा सोरो, रिग्रेट ऑफुल कॉमिक दुख उदास खेद भयानक और हास्य इनमें से, इन से विषम कौन सा हो सकता है आसान क्वेश्चन है दोस्तों कॉमिक हमारा विषम हो जाएगा ये सारे के सारे एक तरीके से पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम बोले जाते हैं तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कॉमिक ठीक है ये सब दोस्तों कैसे दुख से संबंधित है दुख है पीड़ा है भयानक मतलब उसमें भी डरी लगता है हास्य गलत हो जाएगा चलो अगला प्रश्न हम्म देखो भाई सी आर ए सी के क्रैक क्रैक टी ई जेड एम और ई ठीक है अच्छा अच्छा तो हम चलते देखो दोस्तों सी से टी अब सी से टी तो मुझको नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं सी से टी बोले सर ये तीन होता है ये सत्रह बीस होता है यार प्लस का सत्रह करना पड़ेगा दोस्तों प्लस का सत्रह करने का कोई सेंस तो नहीं बन रहा भाई ठीक है प्लस का सत्रह करने का कोई सेंस तो नहीं बन रहा भाई चलो एक काम करते हैं समझ में आ गया क्रॉस कर रहे हैं तो भी नहीं बन देखो सीधा सीधा भी नहीं आ रहा और क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस टू यहां पर होगा और यहां पर दोस्तों प्लस टू हो रहा है तो यहां पर जब हमने किया तो यहां पर प्लस टू सॉरी यहां पर प्लस टू नहीं हो रहा है एक काम करो डिवाइड करो आधा करो आधा सॉरी आधा करो क्रॉस करो देखो बनेगा क्रॉस करके बन सकता देखो कुछ हाँ ये बन सकता शायद ये ये बन सकता है दोस्तों यहां पर कि अगर मान लो कि मैंने C में कर दिया प्लस का टू R में कर दिया प्लस का टू लेकिन फिर यहां बेकार हो जाएगा यहां पर एक काम करो क्रॉस ऐसे ना करके ऐसे करो इस कहा गया इसको कर दो ऐसे ठीक है ना हाँ ये कर सकते हैं इसको कर दो प्लस का टू इसको कर दो प्लस का टू तो यहां पर दोस्तों अब जो बच रहा है इसमें क्या हो सकता है या तो ये अपोजिट हो सकता है ए का अपोजिट जेड और या फिर ये माइनस वन हो सकता है अब क्या होगा वो अपन देख लेते हैं कि माइनस वन है कि अपोजिट है तो यहां पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए एम यू सी के ठीक है ठीक है इसको कर दो भाई क्रॉस तो ये हो जाएगा ओ और सी इसको कर दो क्रॉस ये हो जाएगा एम और ई e. अब दोस्तों या तो ये अपोजिट होगा या तो ये माइनस वन होगा यहां पर दोस्तों माइनस वन ही हो रहा है देखिए सब में दोस्तों तो माइनस वन हो रहा है टी तो आंसर हो जाएगा ये वाला तो ओ सी टी एम ई सी टी एम नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन राजकुमार सिंह बेटा आपको मेरी आवाज जारी है आपका मोबाइल म्यूट तो नहीं है या आप बोलकर कहीं चले तो नहीं जाते हो तुम एक ही तुम्हारी बात का जवाब मैं चार बार दे चुका हूं तुम खाली क्या लिख रहे हो खाली सुन नहीं रहे हो देखो भाई ये हो रहा है प्लस का टू ये हो रहा है प्लस का थ्री ये हो रहा है प्लस का फाइव तो ये हो रहा है प्लस का सेवन तो दोस्तों ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है दो तीन पांच सात तो आगे कितना होगा ग्यारह यानी कि इकसठ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये समझ में आ गया भी नहीं आ गया मैंने क्या बोला था आपसे मैंने बोला था दोस्तों आपको एक आरपीएफ का पेपर कराऊंगा तीस क्वेश्चन का और एक कराऊंगा आरआरबी आरबी का टोटल पचास क्वेश्चन का सेट आज करेंगे दोनों के लिए आरपीएफ भी एफ भी दोनों लोग खुश हो जाएंगे दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आरआरबी आरबी का पहला प्रश्न तीस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आते हैं पहले प्रश्न पे चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करो ए एल शिफ्ट टू का पेपर चलो आ जाओ ये भाई सो गया मैसेज करके पता इसने मैसेज ऑटो में लगा दिए लगता है चलो बताओ भाई इसके अगला क्या आ सकता है सत्रह चौदह ग्यारह आठ माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन पांच यानी कि ई तो आंसर कितना हो जाएगा ई ये है एलपी का पेपर ठीक है अगला प्रश्न लो आ जाओ चलो समय मिलेगा आपको तीस लगाइए हम्म ये थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है देखो चार नौ आठ दस या तो उसको सबको जोड़ लो क्या सबको जोड़कर अट्ठावन आ रहे किसी के हिसाब से नहीं आएगा सबको जोड़कर अट्ठावन नहीं आ रहा सबको मल्टीप्लाई करोगे नहीं अब आप दो 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 को ले लो या तो इन दोनों को ले लो तो कितना आ जाएगा बोले उन्नीस आ जाएगा इन दोनों को ले लो तो बोले बारह देखो जोड़ोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है अच्छा एक काम करो इनको नहीं इनको नहीं तो ऐसे ऐसे कर लो इनको ले लो और इनको ले लो हो सकता है इनको लिया दोस्तों कितना हो जाएगा देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से नौ इंटू यह हो जाएगा बहत्तर और ये हो जाएगा चालीस बहत्तर और चालीस का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा तो कोई सेंस बन रहा है इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा क्योंकि भाई हाँ नहीं बन तो रहा है बन तो रहा है बन तो रहा है दोस्तों बहत्तर और चालीस का डिफरेंस ले लो कितना बचेगा हमारे पास बहत्तर और चालीस का डिफरेंस में अट्ठावन ही तो बचेगा सही है इसका मतलब सेंस बन गया इनको ले लीजिए और इनको ले लीजिए यानी नाइन इंटू एट और माइनस कर दो फोर इंटू टेन कितना आ जाएगा हमारे पास तो ये बन रहा है हमारे पास दोस्तों बहत्तर माइनस चालीस तो दो में से गया आठ और यहां पर क्या चाह नहीं आ रही है कैसा हो जाएगा छ नहीं नहीं अट्ठावन थोड़ी आएगा नहीं 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 गलत हो जाए माफी चाहूंगा दोस्तों मैंने गलत सोच लिया ज्यादा हो जाए सॉरी 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 ये गलत हो रहा है गलत हो रहा है गलत हो रहा है हटा दो ये भी बेकार हो गया अब दोस्तों ये भी बेकार हो गया तो अब लगाओ दिमाग अब क्या कर सकते हैं ऐसे जान ही रहा ऐसे जान ही ऐसे करो जरा ऐसे कुछ हो सकता है क्या दोस्तों ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास अस्सी और ये हो जाएगा आपके पास छत्तीस अस्सी छत्तीस का डिफरेंस वो भी नहीं आएगा ये अट्ठारह और ये तेरह वो भी नहीं हो रहा लि सारी की सारी कहानी बेकार हो गई अब बताओ भी क्या कर सकते हैं तो गड़बड़ हो गया भाई खेल ठीक है चलो देखते हैं अच्छा एक काम करते हैं ना कि अगर दोस्तों तो इसको और इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दे तो क्योंकि अभी तक हमने इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा कुछ नहीं हुआ हमने सबको मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं हुआ फिर मैंने इसको लिया इसको लिया कुछ नहीं हुआ लेकिन मैंने क्या दोस्तों इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई किया बोले नहीं इसको करो जरा नब्बे हो जाएगा ये वाला और इसको मल्टीप्लाई करो जरा हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो जाएगा दोस्तों नाइनटी ये हो जाएगा बत्तीस अब आ जाएगा आंसर ये बचेगा आठ और आठ में से ये क्या दोस्तों पांच अट्ठावन ठीक है इनको और इनको उठा के मल्टीप्लाई कर दो यानी कि दोस्तों डेढ़ सौ और इसमें माइनस करते थे किसका बहत्तर का भाई देखो एज अ स्टूडेंट हम यही तो सोचेंगे हर एक चीज फटाफट -पट, फटाफट -पट अपने दिमाग में कैलकुलेट करेंगे ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, भी हर एक चीज करना है तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास आंसर तो यहां पर दस में से क्या दोस्तों आठ बचेगा सात यानी कि सेवन एट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे फटाफट पड़ से तीस सेकंड लगाइए हम्म देखो भाई दोस्तों यहां पर फ्रॉक को कहा जा रहा है ये रंग को कहा जा रहा है ये फोर्ड को क्या लिखा जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है तो दोस्तों अगर मैं इसमें डायरेक्ट कोडिंग पे जाता हूं तो डायरेक्ट कोडिंग के हिसाब से दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग के हिसाब से एफ आर ओ जी ठीक है तो भाई एफ का कोड अपन सीधे सीधे नौ रख लेते हैं उसके बाद ओ का कोड अपन देख लेंगे यहां से जो कि आ जाएगा छे उसके बाद आर का कोड अपन यहां से रख सकते हैं कि दो और नौ सौ बासठ हमें केवल एक में दिख रहा है सी में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्या दिख रहा है आपको ये हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा चलिए लगाइए वीडियो लॉक बता रहा है बेटा वीडियो लॉक कैसे बता सकता है वीडियो लॉक तभी बता रहा होगा आपने अभी परचेज नहीं किया इसका मतलब परचेज किया होता तो आपको ओपन दिखाता ठीक है लॉक नहीं दिखाता बेटा कभी भी सर मुझे भी पेड कोर्स लेना है मैं आपका पुराना स्टूडेंट स्टूडेंट हूं मुझे मुझे चुच्च फायदा मिलेगा मुझे चुप फायदा मिलेगा कौन सा फायदा चाहिए तुमको भाई देखो हमने वही पढ़ा जो उसने लिखा इसने बोला ये सर मुझे चुच फायदा मिलेगा ये कौन सा फायदा होता है कह रहा मुझे चुच्च फायदा मिलेगा कौन सा फायदा चाहिए तुम्हें तु 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 तलाते हो गए तुम ये इतने बड़े हो गए यहां देखो दोस्तों यहां पर देखे तो इसकी चाहिए हमें पानी में छवि ठीक है ये रखा है दोस्तों यहां पर पानी ठीक है पानी में रखो भाई पानी में अगर इसको हम रखेंगे ठीक रखेंगे तो रखेंगे तो दोस्तों पानी में रखने पर ये जो ब्लॉक है ये आपका इधर की साइड ही रहेगा इस साइड इधर नहीं जा सकता ये ठीक है और ये ठीक है ठीक है उसके बाद दोस्तों जब इसको हम नीचे मारेंगे तो ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये आएगा नीचे और जब दोस्तों ये नीचे आएगा तो जो लाइन ऐसे 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 हैं वो लाइन ऐसे 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 आएंगी और वो आपको दिया इसमें तो आंसर बनेगा डी जो कि हमको ए में ध्यान रखना ऑप्शन कैसे है इसमें शफल है ठीक है अगला प्रश्न चलिए रोहन पतंगे सर मैं आर आरबी बाइच घेत पेमेंट होत ना पेमेंट होत के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करे ना ज्वाइन बटन क्लिक करे ना तो पेमेंट बेटा ज्वाइन बटन को क्लिक करो ज्वाइन बटन क्लिक करके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें बोला जाएगा अपना नंबर सबमिट करो नंबर डालो मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक आएगा गूगल की नई पॉलिसी में चेंज आया है उस चेंज की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है ठीक है आप एक बार इसको करके देख लो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आ रही है चलो यहां देखो दोस्तों एक साल में अपना पैसा तीन गुना करें एक विज्ञापन ने बोला कि एक साल में अपना पैसा तीन गुना करें तो बताइए ये जो बात बोली गई है ये क्या ज्यूम करके बोली गई कि क्या सोच के बोली गई है पहला आश्वासन वास्तविक नहीं है अगर नहीं होता तो बोला क्यों जाता और लोग चाहते हैं कि उनका पैसा कई गुना हो बिल्कुल सही है इसीलिए बोला गया तो आंसर कितना आएगा डी आने की ओनली टू इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन लो चलो इसको लाओ अब हाँ, तुमने सही लिखा सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट क्या मुझे पेड कोर्स पर कुछ फायदा मिलेगा आप तुमने सही लिखा कुछ बेटा जरूर मिलेगा तुमको तुम तो हमारे पुराने स्टूडेंट हो आपको मैं जरूर कुछ फायदा दिलवाऊंगा ठीक है आप आरआरबी बैच देखो आरआरबी बैच अगर आप लेते हो तो आरआरबी बैच के साथ में आपको आरपीएफ के बैच पर फिफ्टी डिस्काउंट ये तो ले ही लो इसपे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा भाई क्यों नहीं मिलेगा पुराने स्टूडेंट हो आप देखो पांच तिया पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस छह चौको चौबीस चौबीस पांच उन्तीस सात पना पैंतीस पैंतीस और छह इकतालीस कद्दू वाला क्वेश्चन पूछा यार एग्जाम में बताओ क्या कर सकते हैं इसका लगाओ आंसर जल्दी से सर मैं आपका आज पूरा एक मंथ हो गया क्लास ज्वाइन किया लेकिन सर पेमेंट हो नहीं रहा बेटा क्या दिक्कत आ रही है एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता दो ठीक है एट डबल ज़ीरो फाइव डबल सिक्स थ्री वन ज़ीरो वन ठीक है जो भी दिक्कत आए आप इस पर बता दीजिए कल मंडे है कल कॉल करके बता दीजिएगा ठीक है जो भी दिक्कत आएगी देख लेंगे एक बार या फिर आप इसी वीडियो के जब कमेंट जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट कर देना कमेंट पर आपको मेरी टीम रिप्लाई कर देगी ठीक है पक्का कर देना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई चलो यहां देखो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि बताइए यहां पर एन का मतलब क्या है भाई एन का मतलब एल का अर्थ है एम का अर्थ है एन का अर्थ है और पी का अर्थ है तो बताइए इसका अर्थ क्या है क्या अर्थ है इसका अर्थ क्या है ये तो बताओ ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया हटाओ दोस्तों रॉन्ग प्रिंटिंग हो गया ठीक है चलो इसको लगाओ चलो ये फिगर आपको कहां पर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है ये फिगर दोस्तों हमको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है देखो यहां पे दिख रहा है आपको ये छोटी सी लाइन भी है यहां पर तो सी में में दिख जाएगा जो कि हमको दिया बी और कहीं मत दिखा देना क्योंकि यहां पर लाइन नहीं है यहां पे लाइन नहीं बनेगी है ना और एक जगह और बन सकता है दोस्तों यहां पे देखो ये ऐसे 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 और ये ऊपर तो दिख तो इसमें भी रहा है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा दोस्तों इसमें भी आपको तो हम कौन सा लेंगे बोले हम लेंगे वो जैसा जैसा दिखे नहीं सेम टू सेम इसको क्या कर दिया है? हमने रोटेट कर दिया यानी कि हमने घुमा दिया तो घुमाना नहीं है सीधा सीधा देखना सीधा वाला चलो बेटा जब रोटेशन मना नहीं किया है अगर किसी क्वेश्चन में और अगर उस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा फिगर दिख रहा है तो आप उल्टे पे क्यों जाओगे आप सीधे वाले पे पहले जाओगे मैंने आपको तीन तरीके बताए थे तीन तरीके कि एक जिसमें रोटेशन मना किया होता है एक जिसमें रोटेशन नहीं मना किया होता है और एक जिसमें रोटेशन नहीं मना किया लेकिन दोनों मिलते हैं तो आप उस पर जाइए जो सीधा सीधा होगा नहीं होगा तो आप घुमा देंगे फिर ठीक है ये चीजें याद रखना है प्रेफरेंस हमेशा किसको देना सीधे वाले को चलो भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यू वीडबू एक्स एक गोल मेज पर बैठे हैं B के बगल में कौन बैठा है बताइए तो पहले वाले से बनाते हैं कितने लोग हैं अपने पास दो दो चार और एक पांच ठीक है पांच लोग हैं भैया अपने पास पहले वाले में हे प्रभु हे प्रभु ये क्या हुआ ये क्या हो गया एलपी वालों को रेलवे वालों को भांग के क्वेश्चन बना रहे हो क्या है यू वीडब्ल्यू एक्स वाई गोलाकार मेज पर बैठे हैं बताइए ये बी के बगल में कौन बैठा है अरे हमें क्या पता बी के बगल में कौन बैठा है बी के बारे में कुछ बोले ही नहीं क्या आंसर आएगा ही नहीं कहीं से हमें क्या हम तो लगा देंगे डी ऑप्शन हटाओ नहीं लगेगा कहीं भी और ये देखो अगर आपको लग रहा है कि मैं ही गलत बोल रहा हूं ये देखो मैं आंसर की भी इसकी लेके आया हूं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि मैं जूम करूं मैं देखो थोड़ा जूम करता हूं है ना जिससे कि आपको दिखे नहीं तो आप कहोगे सर कुछ भी ले आते हो अपने मन से और फिर हम लोग को उल्लू बनाते हो देखो ये देखो क्या लिखा है U V W X Y आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी बी के लिए पूछ लिया यहां देखो यहां पर D A और F के बीच में C B और F के बीच में है और इन्होंने आंसर भी दे दिया आंसर क्या है आंसर है दोस्तों इनका आंसर है दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक और दोनों ही पर्याप्त है इनका आंसर है कि दोनों ही पर्याप्त है भैया जरा इसको बनाओ ये पता क्या है ये उल्लू बना रहे और कुछ नहीं अब देखो भाई पर्याप्त कैसे आप पर्याप्त तो दोस्तों ऐसे आएंगे अब इसमें तो दोस्तों है ही नहीं ना सी डी हमारे पास इसमें तो डब्ल्यू एक्स है यार हम कैसे बता दें कि बी के बगल में कौन है चलो खेल एक काम करो इनका डेटा बनाओ इन दोनों को बनाने पर देखो क्या आंसर आएगा यार इसमें तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा यार अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर दोस्तों एबीसीडी है नहीं और यहां पर आपने एबीसीडी दे दिया चलो खैर देखो आओ देखो इसको बनाओ भाई बनाओ इसको देखो दोस्तों आप इसको छोड़ दो आप इसको छोड़ो अभी केवल इससे बनाओ क्या बनेगा पहले वाले से तो कितने लोग हैं ए एफ मेरे ख्याल से कितने थे पांच थे चलो पांच ही ले लेते अपन है ना पांच ले ले पांच ले लेते हैं तो मान लो तो हमने पा, पांच पांच अब कैसे ले लेंगे अपन यार यहां तो एफ तक दिया हुआ है चलो बनाते हैं फिर भी पहले में है डी दोस्तों बैठा है ए और एफ के बीच में तो ए और एफ के बीच में दोस्तों बैठा है डी तो वो कहाँ बैठेगा पता नहीं वो कहीं भी आ सकता है पहले से नहीं आएगा दूसरा कह रहा है सी बैठा है बी और एफ के बीच में वो भी नहीं आएगा और दोनों को अगर मिला के बनाए तो तो ए और एफ के बीच में डी है और बी और एफ के बीच में ए और एफ के बीच में डी है और बी और एफ के बीच में सी है ठीक है ऐसे कुछ बनेगा तो कौन बैठेगा हम कैसे बता सकते हैं भैया हमारी तो समझ से क्वेश्चन कि बताइए दोस्तों यहां पर बी के बगल में इसमें पता सर्कल का तो कोई रोल ही नहीं है अगर आप इसमें सर्कल हटा दो आप सर्कल पे मत बेटाओ आप इसको सीधा सीधा बैठाओ तो आंसर आ जाएगा आप अगर आप इसको सीधा सीधा बैठाओगे तो आंसर आ जाएगा देखो कैसे सीधा सीधा बैठाओ ए और एफ के बीच में डी बैठेगा तो ये हो सकता है या तो और या फिर एफ और ए के बीच में डी ऐसा बैठ सकता है उसके बाद बी और एफ के बीच में सी बैठता है तो बी और एफ के बीच में सी और या फिर बी और एफ के बीच में सी ऐसे देखोगे तो बी के बगल में सी बी के बगल में हमेशा सी आएगा तो इससे आंसर आ सकता है दोनों को मिला के लेकिन इतना दिमाग कौन लगाएगा अब वो भी सर्कल में बैठाओगे तो वो भी नहीं बैठ पाएगा भाई किसको हम कहां बैठाएं पता नहीं क्या यार गजब टोपीवाज इंसान है चलो क्या बनाते हैं मान लो ये डी है मान लो ये एफ है इसके बीच में बैठ गया ए तो फिर ये अगर एफ है तो फिर इसको होगा बी और ये हो जाएगा सी ऐसा बनेगा ये समझ गए और अगर इसका उल्टा कर दोगे तो ऐसा बनेगा तो बी के बगल में कौन बैठा है अगर आप सर्कल पे बनाओगे तो सर्कल से आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं बोलो क्यों नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों बी के बगल में सी बैठेगा और डी बैठेगा दो आंसर आएंगे कि बी के बगल में कौन बैठा है सी और डी आप समझे मेरी बात को तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन यार हे भगवान चलो उसको लगाओ सर आप जो क्वेश्चन टाइप किए हैं उसमें चार लोग हैं और उसमें पांच लोग हैं देख लेते बेटा एक बार पांच लोग चार लोग कौन से वाले बोल रहे हो आप हम्म पांच लोग चार लोग तो ठीक है वो चलो ठीक है आपकी बात मान ली कि इसमें यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी मतलब सॉरी पांच लोग हैं हमने चार किए मान लिया आपकी बात लेकिन उसके बाद भी बेटा ये बताओ है तो यूवी डब्ल्यू ही ना हमने यूवी डब्ल्यू ही लिया है तो यूवीडब्ल्यू एक्स अगर राउंड टेबल पर बैठे हैं तो बी के बगल में कौन बैठेगा हम कैसे बता दें आप समझे मेरी बात को हम्म तो ये दोस्तों क्या है कि कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो हम आंसर फिर भी लगा सकते थे कि दोनों आएंगे मिला के दोनों इसलिए आ जाएंगे कि अगर आप दोनों को बनाते हो चाहे तो सर्कल में और चाहे तो सीधे सीधे लाइन में आपका आंसर बी के बगल में कौन है आंसर आ जाएगा ठीक है बी के बगल में आंसर कौन सा है आंसर आ जाएगा ये जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है ठीक है ये जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है चलो खैर अपन को यूवीडब्ल्यू से वैसे भी कुछ नहीं लेना देना यहां पर बताइए दोस्तों मिरर इमेज कौन सा होगा मिरर इमेज यहां पर रखो एन बनेगा दोस्तों तो एन के जैसा कुछ इस प्रकार से आंसर बनेगा सी सी हमारा करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन चलो फटाफट से आंसर उड़ाओ शेर बाघ और जानवर इसका करेक्ट वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों तो लायन अलग होता है टाइगर अलग होता है लेकिन दोनों के दोनों जानवर होते तो तो आंसर आंसर बनेगा किसी ने और कुछ नहीं तो नहीं दे दिया, आंसर नहीं दे दिया दिया अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने समय मिलता है आप सभी लोगों को बीस ये क्वेश्चन हम लोग और भी किसी सेट में लगा चुके हैं इसमें हमें बताना है कि टोटल पेलोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज कितने होंगे ठीक है समांतर चतुर्भुज कितने होंगे देखो एक तो समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है बोले पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? देखो एक तो ये हो जाएगा एक एक ये बनेगा दो एक ये पूरा बनेगा तीन और तीन के बाद एक ये वाला बनेगा चार क्योंकि दोस्तों जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है इसको भी चतुर्भुज ही बोलते हैं तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलो इनमें से विषम कौन सा है बताइए वन आउट वाला जो क्वेश्चन था डेटा सफिशियंसी का उसमें दोस्तों यूबीडब्ल्यू जेड जो लिखा हुआ है ना वो गलती है जबरदस्ती लिख दिया उन्होंने लेकिन जो क्वेश्चन है अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बी के बगल में कौन बैठा है वो आपको दोनों से मिला के आंसर आ जाएगा अगर केवल आप उतना डेटा चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन उनको उस तरीके से देना नहीं चाहिए चलो खैर यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है कौन सा अलग है देखो तो ये जा रहा है घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में और ये घड़ी की दिशा में तो कौन सा दिशा में जाएगा तीन चलिए विनय बेटा विनय कुमार बहुत बहुत शुक्रिया बेटा थैंक यू सो मच इधर देखो दोस्तों अकेले का संबंध किससे है बोले अकेले से यानी अलोन अकम्पेंड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं तो अमाउंट का सिनोनिम क्या होगा क्वांटिटी यानी कि मात्रा अगला प्रश्न सचिन एक अच्छे बल्लेबाज है बल्लेबाज बुद्धिमान है तो बताइए सभी बुद्धिमान लोग बल्लेबाज हैं सचिन बुद्धिमान है क्या सही क्या गलत सचिन एक अच्छे बल्लेबाज हैं और जितने भी बल्लेबाज हैं वो सभी बुद्धिमान हैं तो बताइए दोस्तों सचिन बुद्धिमान है जी हां ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन सभी बुद्धिमान बल्लेबाज हैं ऐसा कह नहीं सकते आंसर आएगा ओनली टू फॉलो चलिए अगर इस कार का संबंध इस कार से है तो इसका संबंध किससे होगा तो फिर इसका मतलब देखो ये क्या है इस वाली कार का टॉप व्यू है क्या ये इसका टॉप व्यू इसका टॉप व्यू कैसा लगेगा बोले ऐसा रहेगा तो आंसर क्या आएगा सी अगला सभी सेब लाल हैं कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है सभी सेब लाल हैं ये आरआरबी एलपी का पेपर है बेटा इसके पहले अपन ने आरपीएफ का किया था ठीक है और आज रात दस बजे आपको वापस से फिर आना है इसी यूट्यूब चैनल पर और वहां पर हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर ठीक है तो टेक्नीशियन का भी एक बार देख लें भाई कैसा आता है देखो सभी सेब लाल हैं यानी कि सारे के सारे दोस्तों जो एप्पल हैं वो किसके अंदर हो जाएंगे लाल के अंदर हो जाएंगे और कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है कोई भी लाल फल मतलब लाल फल जो भी होगा वो सस्ता नहीं होगा तो लाल फल के साथ अपन सस्ते को कर देते हैं क्रॉस ठीक है कर दिया भाई क्रॉस हालांकि हमने लाल की तरफ कर दिया है लाल फल जो है वो सस्ता नहीं होगा तो जितने भी लाल फल होंगे वो सस्ते नहीं है है ठीक तो सभी एप्पल आर चीप नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता और लाल एप्पल आर नॉट चीप ये सही है तो आंसर क्या होगा दोस्तों ओनली टू फॉलो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से करो देखो मिस्टर वाई ने अपनी कार कब खरीदी तो पहला कह रहा है दोस्तों 18 अगस्त से पहले लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं तो मतलब 15 अगस्त के बाद तो 15 अगस्त के पहले नहीं लेकिन 18 अगस्त से पहले तो 16 हो सकता है 17 हो सकता है और 15 भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों 15 के पहले नहीं है 15 सोलह सत्रह तीन डेट आ सकती पहले से आंसर नहीं आएगा दूसरा कह रहा है कि निश्चित रूप से सोलह अगस्त के बाद निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद लेकिन 19 के बाद में नहीं 19 के बाद में नहीं तो 19 हो सकता है 18 हो सकता है 17 हो सकता है यहां मुझे पता है कि दोस्तों 18 के पहले ही खरीदी है 16 के बाद खरीदी थी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 17 तो करेक्ट आंसर दोनों से मिलाकर आएगा यानी कि बोथ हमारा करेक्ट आंसर होगा दोनों से मिलाकर बेटा आंसर आ जाएगा दोनों से मिलाकर आंसर आ जाएगा कुछ लोगों ने ओनली टू आंसर दे दिया ओनली टू गलत है इसका आंसर आएगा बोध से मिला के टू कैसे आ रहा है आपका आंसर केवल दूसरे से कैसे आ जाएगा कि सोलह के बाद और उन्नीस से पहले बेटा दो डेट आएंगे ना सत्रह अठारह तो दोनों को मिला के आंसर आएगा ठीक है अगला प्रश्न यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से दसवें पद के बाएं पांचवा पद कौन सा होगा यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखे तो क्यों लिखे हम उल्टे क्रम में हम अपना दिमाग चलाएंगे यहां पर ठीक है ना देखो <laughs> देखो भाई ध्यान से दोस्तों यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से दसवें पद के बाय और पांचवा कौन सा होगा तो हमने क्या सीखा है कि जब भी दोस्तों यहां पर दसवां कहां से राइट से तो दसवां है राइट से और लेफ्ट से कितना है दोस्तों पांच तो दोनों को क्या करते हैं बोले जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं जोड़ दो कितना आ गया बोले पंद्रह और पंद्रहवा एलिमेंट कहां से बताना है बोले जो लास्ट में दिया होता है लास्ट में क्या दिया दोस्तों लास्ट में दिया हुआ यहां पर दसवां तो पंद्रवा राइट से बताएंगे और जो हिंदी वाले हैं वो क्या करेंगे स्टार्टिंग में जो दिया है दाएं तो राइट से बताना है उसको तो दसवां अब राइट तो ये है तो यहां से अगर आप दसवां बताते तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि हमें इस पूरे को क्या करना है पलट देना है जब पलट दोगे तो ये चीज यहां आ जाएगी तो हम क्या करेंगे भाई यहां से दसवां देख लेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और एक तो आंसर कितना आई कहां चला गया एक दो तीन चार अच्छा पंद्रवा बताना सॉरी सॉरी पंद्रवा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह हे भगवान कितना आगे जाके आया एफ चलो चलिए देखिए ये बताओ कुछ कीड़े पक्षी है ठीक है तो कुछ बग जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे बोले बर्ड के अंदर आ जाएंगे और सभी बर्ड फ्रूट में है तो सारे के सारे बर्ड किसमें फ्रूट में है दोस्तों तो सभी फल पक्षी हैं कह नहीं सकते और कुछ कीड़े फल हैं सही है तो आंसर क्या आएगा ओनली टू फॉलो यानी कि बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और लो देखो जरा फटाफट से एक टॉप यूनिवर्सिटी ने बारहवीं क्लास में गणित का सिलेबस कम कर दिया है तो बताइए अजम्पन यानी कि पूर्व धारणा यानी कि ये जो बात बोली गई इससे हम क्या अजम्पन लगा सकते हैं क्या अज्यूम कर सकते हैं यानी कि क्या मान सकते हैं तो पहला कह रहा है छात्र गणित में पहले से अधिक अंक प्राप्त करेंगे ऐसा तो नहीं कह सकते और ऐसा गणित में छात्रों के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है हाँ, ये हो सकता है दोस्तों इसका आंसर होगा ओनली टू पहला गलत क्यों देखो अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी ने सिलेबस कम किया है क्लास बारहवीं का तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब दोस्तों आप सब अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे अरे कम सिलेबस से अच्छे नंबर थोड़ी आते हैं सिलेबस दोस्तों कितना भी पढ़ाई अच्छी होगी तो अच्छे नंबर आते हैं अच्छा गणित के हाँ ये अच्छी बात है दोस्तों की पहले आपको मान लो पचास चैप्टर पढ़ने थे अब अगर मान लो तीन ही चैप्टर कर दिए तो फिर हमारा जो बोझ है वो कम हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा ओनली टू है ना ये अजम्पन हो सकता है चलिए इसका आंसर लगाइए चलो देखो पी एस की मां है पी मां हो जाएगी एस की नहीं 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 पी एस की मां के इकलौते बेटे की पत्नी अच्छा दोस्तों एस की मां के इकलौते बेटे की पत्नी है पी अब दोस्तों एस की मां के इकलौता बेटा कौन है क्या एस खुद हो सकता है हो सकता है एस नहीं भी हो सकता है तो मान लो दोस्तों मैं एस को इकलौता मान लू तो एस की मां का इकलौता बेटा मैंने एस को मान लिया है ना और उसकी पत्नी कौन है दोस्तों पी हो सकता है और मान लो अगर ये बेटी हुई तो एस की मां के इकलौते बेटे की पत्नी पी हो जाएगी तो बताइए पी एस से किस प्रकार संबंधित है तो यहां पर दोस्तों देखें तो पी जो है वो एस की सिस्टर इन लॉ बन सकती है और यहां पर देखें तो पी जो है वो उसकी वाइफ बन सकती है ये वाला ऑप्शन है नहीं तो आंसर लगेगा सी देखो है इसीलिए बोलते हैं भाई कि अपन को बेसिक्स करना बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया अगला प्रश्न चलो इसको लगाओ देखो ये कह रहे सर सभी पक्षी फल हैं तो सही तो है पक्षी फल कहां से सही हो गया सभी पक्षी फल है ना बेटा सभी पक्षी फल में हैं और इसमें पूछा जा रहा है सभी फल पक्षी हैं सभी पक्षी फल हैं तो क्या इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि सभी फल पक्षी हैं चला गया चलो इधर आ जाओ देखो इनमें से अगला बताइए कौन सा हो सकता है ना तो e प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी कि आई तो आ गया ये वाला ठीक वो तो सब में आ रहा है फिर आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह आई के साथ पी केवल एक में है सी ऑप्शन चलो लि खत्म एंड हो गया भाई एंड हो गया दोस्तों यहां पर चौबीस क्वेश्चन इस सेट में थे और पिछले सेट में हमने लगाए तीस कितने हो गए टोटल चौवन ठीक है पचास क्वेश्चन आरपीएफ एल पी को लेकर अब हम रात के दस बजे दोस्तों करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का एक प्रीवियसर पेपर काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आरआरबी टेक्नीशियन का प्रीवियसर पेपर ये कब हो गया क्योंकि इससे पहले तो एल टेक्नीशियन एक साथ ही होते थे हमने अरे हमारे पास जादू है हमने सारे जादू करे हुए हैं आप आना तो आपको तो रात में दस बजे पता चलेगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का प्रीवियस पेपर कैसा था हम दिखाएंगे आपको आना आप फिर देखना चलिए ठीक है दोस्तों अच्छा बाकी अगर आप में से कोई भी पूरी के पूरे रेलवे में कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो मैं आपको केवल एक चीज कहना चाहता हूं ये उसी के लिए है जो सच में करना चाहता है बाकी जो इधर उधर भटकना चाहता है वो भटके मैं तो कहूंगा ना भटको तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों तो यहां पर आरपीएफ एल बी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी पैरामेडिकल जे इन सभी एग्जाम्स के लिए केवल एक ही दोस्तों फाउंडेशन बैच है दूसरा ना आएगा ना आया है और हम आपसे खुद भी नहीं कहेंगे कि आप लो। आप अगर एक बैच अगर पढ़ लेते हो तो आपको ये सारे के सारे जो एग्जामिनेशन हैं ये कवर हो जाएंगे और क्लियर भी होंगे फॉर श्योर बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन सीबीटी वन सीबीटी टू सबके लिए है एक साल की वैलिडिटी है बढ़िया से पढ़ सकते हो और कोई भी एग्जाम इस साल या अगले साल या उसके बाद में आप दे सकते हो ठीक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको लगता है कि आपको केवल रीजनिंग पढ़नी है तो आप केवल रीजनिंग भी पढ़ सकते हो ये सभी एग्जाम्स के लिए केवल रीजनिंग भी है, आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग के फाउंडेशन रेलवे बैच में आपको लगता है सर मैं केवल आरपीएफ का विद्यार्थी हूं तो आप केवल आरपीएफ के लिए भी पढ़ सकते हो आरपीएफ के लिए दोस्तों अलग से आपको ये बैच बना दिया गया कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको डाउनलोड करना है क्विक ट्रिक्स बाय साइल सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर देने के बाद दोस्तों आप लोग उसको लॉग करेंगे जब ज्वाइन करेंगे ना कोई भी बैच में ज्वाइन करने के बाद आपसे दोस्तों आपका फोन नंबर सामने मांगेगा उसको सबमिट कर देना सबमिट कर देने के बाद यहां से देखिएगा जो आपका पेमेंट का लिंक होगा पेमेंट का जो लिंक होगा वो आपके व्हाट्सएप पर जाएगा ठीक है और व्हाट्सएप पर जाकर आप उस लिंक से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं ध्यान रखिएगा इस बात का ठीक है इस तरीके से आपको करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एस के बैचेस भी इसमें दिए हुए हैं आप उसको भी कर सकते हैं मिलते हैं आपसे रात के दस बजे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच खुश रहें मजे से रहें पढ़ते रहें तो ध्यान रखें तब तक के लिए जय हिंद